ये पौने 35 कमर। ये वाले भाग सीधा और ये वाले भाग उल्टा। पौने 35 का आधा, ये 17.5 35 हो, पौने 35 का ये एक फुट का। इसको हम 17.5 का करेंगे, वो पाव पाव इंच और दबे का फ्लाई में। कभी भी मशीन खड़ा करे तो सुई नीचे रहना चाहिए। ये सीट का नाप है, ये फिक्स, यहाँ से आपका सिलाई बिल्कुल आपका मार्का में ही आना चाहिए, न कम न ज़्यादा। ये बिल्कुल सिलाई में सिलाई, जो यहाँ आपका डांडा का पेंट का जो लंबाई की जो सिलाई है वो बराबर, इधर भी बराबर, ये फ्लाई वाले भाग, और हम आधे इंच इसको दबाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है सीट का दोनों टांग का जोड़ना। अब ए वाले जो भाग है आपका सेल्फ वाले भाग, और ये बराबर आना चाहिए, ये जरा भी इस वाले हाई वाले भाग से ये बड़ा ना हो, थोड़ा सा भले बिल्कुल बराबर ही रखें सबसे बेहतर है। और ये पाव इंच गैप देख रहे हैं, बस ये पाव इंच गैप में आप बराबर इसको पकड़ लेंगे। ये पाव इंच गैप इधर भी बराबर, जरा भी रंच मात्र ऊपर नीचे ना हो, ये हम पकड़ लिए। अब इसको छोड़ दें, ये पकड़ लिए, थोड़ा यह खींचते हुए ये ऐसे यहाँ पर पकड़ लीजिए। अब ये दोनों जो पल्ला है उसको बराबर है कि नहीं बराबर, और देख लीजिए ये बराबर है। अब इससे हम आधा इंच के और एक अनुपात से सिलाई लगाना है, रहना चाहिए ऊपर नीचे बराबर, और घना दीजिए, इसलिए कि यहाँ पर मजबूती का सवाल है और उरेब पड़ता है, इसलिए और ज़्यादा आवश्यकता है। अब यहाँ पकड़ के हम इसको पकड़े ही हैं ना, छोड़े नहीं हैं। अब इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर पकड़ के कि हम ये ऊपर नीचे सही इसका है कि नहीं है, बिल्कुल एक के ऊपर एक है,
यहाँ पर हम एक सूत, वहाँ टू कटे एक सूत सिलाई से इसको हम दबा रहे हैं। थोड़ा जमा दीजिए इसको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, अगर गलत है तो खोलना भी पड़ सकता है, ये महत्वपूर्ण जगह है ये। अब देखिए, एक के ऊपर ये आपका ये यहाँ से मुड़ेगा और इसके ऊपर ठीक एक सूत में ऊपर एक चढ़ा हुआ है, यानी ये बिल्कुल ठीक लगा है। ये सिर्फ सफाई और की आवश्यकता है, आप करते अभ्यास करते करते बनाते बनाते आपके लिए वो सहज हो जाएगा। अब इसको पलट दीजिए, ये वाली भाग पलट दीजिए। ये सिलाई दिख रहा है, अब ये जो मार्कर दिए इससे ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल इसमें आएगा, सीधा आएगा, ये इसमें अभी राउंड नहीं आएगा। बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई दीजिए, डबल सिलाई होने तो आपको सिरवा करने में तकलीफ होगी। अब इसको बिल्कुल ये दोनों पल्ला हाथ से अनुभव से बराबर पकड़े हैं, दोनों का सिलाई मिल रहा है, इसको ये बराबर पकड़ लीजिए साफ करके, इसको भी पकड़ लीजिए, ये बराबर है ये। आने दीजिए, बिल्कुल जो पहले कटिंग के समय मार्कर दिए उसी में आ रहा है। अब यहाँ पर अपना जो नाप है, पहले से नाप की सिलाई दिए उसी में वो आ रहा है। अभी एक सिलाई, उसी में हम एक और सिलाई देंगे। अभी देख लीजिए ये बिल्कुल सही सिलाई है कि नहीं है, राउंडिंग सही है कि नहीं है। इसको बराबर आप खींच के लीजिए ताकि सिलाई में मजबूती आता है खींचने से। कपड़ा खींचना है, सिलाई का टाका ना बढ़े, कपड़ा को खींच के ही पकड़ना है इसको। यहाँ पर उरे पड़ रहा है, इसको बिल्कुल बराबर खींचते रहिए और मशीन अपने जिस हिसाब से वो खींच रहा है उसको चलने दीजिए, आपको सिर्फ कपड़ा तानना है। डबल सिलाई मार रहे हैं, एक बिल्कुल अलग अलग उसी के ऊपर डबल पड़ना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, बराबर इसको रख लीजिए। ये जो भाग है ये फ्लाई का, ये बिल्कुल अभी सिलाई मार रहे हैं उसमें नहीं पकड़ना चाहिए, इसको अलग रहा है। फिर इसको वापस ले लीजिए, दो सिलाई हो गया। अब ये तीसरी सिलाई पड़ने जा रहा है, खींच के यहाँ पर उरे पड़ता है फ्लाई, अक्सर यहाँ पर सिलाई टूटता है, बहुत शिकायत रहता है। ऐसा सिलने से आपको शिकायत जरा भी नहीं, कपड़ा फट जाएगा वो सिलाई नहीं फटेगा और साफ बैठेगा, कहीं भी वो सिलाई नहीं खींचेगा कपड़ा को। यहाँ उरेब जितना उरेब भाग है जहाँ अधिक तनाव पड़ता है, ध्यान रहे टाका घना रहे साफ रहे। बस यहीं तक तीसरा को जहाँ अधिक आवश्यकता है, सीट की जहाँ हम मार्कर लगाए हैं ये मार्कर, यहीं तक तीसरा सिलाई।
ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये वाली भाग जरा भी बड़े ना हो, बिल्कुल बराबर रहे। ये पाव इंची जो दबाने के लिए पाव इंची, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बेल्ट की बात कर रहा हूँ। ये देखिए गौर से, इसको बराबर इस पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद ये थोड़ा खींचिए, खींचिए तो उसके बाद अपना सही स्थान में पकड़ा। देखिए अब इसको पकड़े रहिए, इसको छोड़ना नहीं, हम पकड़े हैं। अभी ब्लेजर बैठ गया, अब नहीं खसकेगा, छोड़ दिए इसको। अब चैन के सुई गड़ा दिए। अब इसको और पुनः देख लीजिए, इसमें यहाँ से पाव इंच दबाना है, ये वाली भाग को, एक के ऊपर एक पाव इंच। ये लगभग 2 इंच 2.5 इंच यहाँ से 2.5 पहले, इसे थोड़ा सा ये सीधा है, यहाँ 1 फुट ऐसे टेढ़ा कर लेंगे, खींचना नहीं इस चैन को, सिर्फ टेढ़ा करना है। ये वाले भाग यहाँ नजदीक से उंगली से इसको दबा के रखिए। आराम से धीरे से, वो एक ही बार में बने गए हैं। बिल्कुल ये सीधा खींचने से ये लगभग ये सीधा आ रहा है, ऐसे पता चल जाता है टेढ़ा है कि नहीं है, बिल्कुल सही आ रहा है। जब इसको आयरन से इसको फैलाएंगे और सही बैठेगा। ये आयरन अच्छा गर्म होना चाहिए, सीट में अधिक उसकी ताप की आवश्यकता है, ये पता चल जाता है पानी खींचने से। ये पहले कपड़ा गर्म होने चाहिए, गरम होने के थोड़ा देर रखिए उसको, फिर पानी डालिए। अपनी तरफ इसको, ये गरम हो गया, अब इसके अपनी तरफ खींचिए हल्के हाथों से। गर्म रहेगा तभी ये फैलेगा। इसको इस सिलाई को तोड़ दीजिए।
बस रखना है। कपड़ा इसलिए रखे दोस्तों कि यहाँ पर आयरन पड़ने से शाइनिंग आ जाता है, अच्छा नहीं दिखता है। कुछ नहीं करना है, खींच के बस जैसा है वैसे ही इसको पकड़ना बस है। अब अपने को फ्लाई की सिलाई जितनी मोटाई रखना है उसी हिसाब से बराबर सीधा आप कच्चा मारिए, इसी आधार पर आपका ऊपर सिलाई जाएगा बिल्कुल सीधा। ये लगभग 1 इंच 1 सूट के कम के आसपास इसकी मोटाई रहती है ये वाली मोटाई। बिल्कुल ऐसे पकड़िए दोस्तों, ऐसे बिल्कुल कोई खींच खाच नहीं, बिल्कुल आपका फ्राई साफ बनेगा, बढ़िया बनेगा।